नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। बड़ी खबर निकल कर आ रही है सागर के मकरोनिया में। जी हाँ, सागर का मकरोनिया सेक्स रैकेट का अड्डा बनता जा रहा है। ये पहली बार नहीं है, कई बार यहाँ पर सेक्स रैकेट पकड़े गए हैं और इस बार भी दीनदयाल नगर और भरतूमा में पुलिस ने दबिश दी है। 6 युवतियों सहित 2 युवकों को पकड़ा है। दरअसल हम आपको बता दें, सागर के मकरोनिया थाना क्षेत्र में 2 स्थानों पर दबिश देकर पुलिस ने सेक्स रैकेट पकड़ा है। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों स्थानों से 6 युवतियाँ और 2 युवकों को हिरासत में लिया है। मामले में पुलिस उन्हें पकड़कर थाने लेकर पहुंची है, जहां पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार मकरोनिया क्षेत्र के दीनदयाल नगर और भरतूमा में सेक्स रैकेट संचालित होने की सूचना मुखबिर से मिली थी। खबर मिलते ही सोमवार को मकरोनिया थाना प्रभारी महेंद्र जगैत, महिला थाना प्रभारी रीता से टीम के साथ कार्रवाई के लिए रवाना हुई। पुलिस टीम ने दीनदयाल नगर में कार्रवाई करते हुए एक मकान में दबिश दी, जहाँ से पुलिस ने 3 युवतियां 2 युवकों को पकड़ा है। उन्हें पुलिस वाहन में बैठा कर थाने भेजा गया। इसके बाद पुलिस टीम भरतूमा पहुंची, जहां मकान में दबिश देकर 3 युवतियों को हिरासत में लिया गया। कार्रवाई में पकड़ाई युवतियां सागर लोकल गड़ाकोटा और 2 अन्य स्थानों की रहने वाली है। मामले में पुलिस युवतियों से पूछताछ कर रही है। सुनिए जरा इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कहना है। आज मकरोनिया थाना प्रभारी के साथ मिलकर एक रेड कार्रवाई की गई थी, जिसमें दीनदयाल और भरतूमा में कार्रवाई करके कार्रवाई को अंजाम पहुंचाया गया था। इसमें 6 लड़कियां कुल और 2 लड़के मिले हैं, अब उन पर कार्रवाई जारी है। इनमें से 2 लड़कियां हैं जो बाहर शिलोंग की रहने वाली हैं, बाकी 1 गड़ाकोटा की और लोकल की। अभी जो दस्तावेज हैं उनके हिसाब से सिर्फ 2 बाहर की हैं, 1 गड़ाकोटा की है, बाकी सब सागर की हैं। जो लड़के मिले हैं वो भी सागर के। आज पुलिस से सूचना प्राप्त हुई थी कुछ अनैतिक देव व्यापार के संबंध में, तो मेरा थाना प्रभारी जीत सिंह को हमला में लेकर एक दीनदयाल नगर में रेड कार्रवाई की, जहाँ पर 2 लड़के मिले हैं और 2 लड़की वहाँ पर मिली है। और भरतूमा में भी जाकर रेड कार्रवाई की, तो वहाँ पर भी 2 लड़कियाँ मिली हैं। हाँ, 2 मकान, ये वही वाला एरिया है जो केंद्रीय विद्यालय के सामने वाले, जो दीनदयाल नगर से पकड़ा।